कांग्रेस का सेशन था कलकत्ता का 1920 में, कलकत्ता में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था, सितंबर के मंथ की बात है। गांधी जी ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सोची बच्चों वो ये थी कि देयर शुड बी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पहले सारे जो इंडियंस हैं वो आपस में एक यूनिटी में होंगे, एकता में आएंगे, तभी हम कभी भी कुछ भी कोई भी लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या है, यूनिटी। तो वो यूनिटी लाना बहुत ज़रूरी था। तो उस समय में उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ली। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी कि 1920s में ही अली ब्रदर्स, पहले तो गांधी जी कन्विंस्ड लीडर्स टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम टुगेदर, ये कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने किया था। तो ही मेट अली ब्रदर्स हु फॉर्म्ड खिलाफत कमेटी एट बॉम्बे। तो गांधी जी ने क्या किया, अली ब्रदर्स कौन थे, अब आप ये पूछेंगे, अली ब्रदर्स दो भाई थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। उसी समय में हम पीछे जाते हैं वार में, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुई थी उसमें ऑटोमन एम्पायर, हमने पढ़ा ना ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई थी। ऑटोमन क्या था, ऑटोमन टर्की। तो टर्की में उस समय किसकी हुकूमत थी, टर्की में उस समय का एम्परर था वो मुस्लिम था, खलीफा। तो जैसे हमें पता है जब भी कोई वार हारते हैं ट्रीटी, जैसे आपको पता है ट्रीटी वियना हुआ था यूरोप में, या कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी हुई थी, तो अब सबको ये एक र्यूमर्स भी थे और एक फियर भी था कि अब टर्की चूंकि हार चुका है ऑटोमन एम्पायर जो है, तो अब खलीफा के खिलाफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कुछ बहुत सख्त वाले कदम उठाएंगे। तो उसके लिए जो मुस्लिम्स थे वो यूनाइट हो रहे थे, तो गांधी जी ने सोचा कि हम भी इनकी जो इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई है इसमें हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो इन फर्स्ट वर्ल्ड वार यू कैन से ऑटोमन टर्की वाज डिफीटेड, देयर वाज र्यूमर ऑफ हार्श ट्रीटी टू बी इम्पोज्ड ऑन खलीफा जो कि उस समय ऑटोमन का राजा था। गांधी जी मेट अली ब्रदर्स एज ही सा दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम टुगेदर, वो मिले इसलिए कि वो भी लोगों को कन्विंस करेंगे ताकि हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाएं। तो उसी समय में 1920s में उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया का दौरा किया अली ब्रदर्स और गांधी जी ने मिलकर। तो मिलकर फिर उन्होंने खिलाफत के साथ गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन करते हैं सेंट गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और ये आइडिया जो था नॉन कोऑपरेशन का गांधी जी ने कहां से लिया, उन्होंने हिंद स्वराज एक बुक लिखी थी। किसने लिखी थी, याद रखना मैं पूछूंगी कौन सी बुक लिखी थी, हिंद स्वराज, गांधी जी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में। तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर रूलिंग इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस जो है उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स विल कम टू एन एंड विद इन अ ईयर। वो कह रहे थे कि एक ही साल में अगर इंडियंस कोऑपरेशन करना बंद कर दें तो ये रूल उनका खत्म हो जाएगा। तो इन बिटवीन एक चीज और हुई वो क्या थी कि जब नॉन कोऑपरेशन सारा सेट तो हो गया, ये डिसाइड हो गया कि नॉन कोऑपरेशन हम करेंगे खिलाफत के साथ मिलकर, लेकिन कांग्रेस थोड़ी सी रिलुक्टेंट थी, कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। और देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दैट, वो क्या था कि उसी समय में देयर वाज काउंसिल इलेक्शन वाज शेड्यूल्ड इन नवंबर 1920, काउंसिल्स की इलेक्शन होने वाली थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही होनी थी। तो कांग्रेस सोच रही थी कि अगर हम नॉन कोऑपरेशन में हिस्सा लेंगे तो हम फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो वो ये सोच रहे थे कि इफ वी कम टू पावर वी कैन डिफेंड एंड इवन मेक चेंजेस इन द लॉज आर इन द पॉलिसीज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स। वो ये सोच रहे थे कि अगर हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे इलेक्शन लड़के तो हम खुद कुछ जो चीजें हैं उनको चेंज कर सकेंगे। बट अल्टीमेटली कांग्रेस जो है नागपुर सेशन में मान गई कि हम भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेंगे। नागपुर का सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में ये मान गए कि हम भी इलेक्शंस में, हम भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेंगे। और जब ये डिसाइड हो गया तो जनवरी 1921 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ऑन जनवरी 1921। और उसमें हुआ क्या?